सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मून आर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग से ड्राइंग करने वाले हैं। तो और ये हमारी जो ड्राइंग होगी, ये हम ऑयल पेस्टल की हेल्प से करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल मून आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लीजिए। आपको इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगी, और आर्ट से रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से अपने पेपर को स्टेबल कर लिया है। अब हम एक नॉर्मल पेंसिल लेकर, मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल ले रहा हूँ, आपके पास अगर नॉर्मल पेंसिल है तो वो भी ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बीच में इंडिया गेट को ड्रॉ करेंगे। आप मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर की लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे इसके बीच में, और फिर 9 सेंटीमीटर की लाइन। तो गाइस, आप लाइट पेंसिल यूज करना। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन इधर भी ड्रॉ करेंगे। आपकी इधर ही छोटी होती है और उसको और इनको ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर लेंगे खींचेंगे, और 1 सेंटीमीटर के ऊपर करेंगे इन दोनों को जॉइन करते हैं। उसके बाद फिर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं, और हम इसको इस तरीके से आपको 3 बनानी है, और सबसे लास्ट वाली थोड़ी छोटी होगी। गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। गाइस, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑनलाइन डालेंगे। पहले हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसको इससे इसके बाद हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन एक लाइन वैसे तो जाने के बाद हम यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। I'm here for the ride.
प्राइस ही तो जाने के बाद हम यहाँ पे लैंड होंगे। ऐसे सेम आपको तो भी करना है। गाइस यहाँ पे हमारा इंडिया गेट कंप्लीट है। गाइस अब हम इधर ऑर्डर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्लैग लेंगे। तो वैसे तो आने के बाद आप यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लें चाहे तो आप कर सकते हैं। तो वैसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया। यहाँ पे हम थोड़े क्लाउड इस तरीके से और अब हम इधर एक पैकेज गाइस अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और उसमें बीच में चक्र बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है तो अब हम इसके अंदर चक्र बनाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका चक्र बन जाएगा। यहाँ पर हम अपने ड्राइंग का टॉपिक लिख देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारी ड्राइंग का रफ स्केच कंप्लीट है। अब हम इसको स्केच की हेल्प से इसकी आउटलाइन करेंगे उसके बाद हम कलर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस आप स्केच या फिर नॉर्मल ब्लैक पेन से भी आप इसको आउटलाइन कर सकते हैं।
तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो गाइज आपको भी कुछ इसी तरीके से अपनी ड्राइंग की आउटलाइन कर लेनी है। तो गाइज देखिए, आपको आपकी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। तो गाइज अब जो मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करने जा रहा हूँ उन सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं कलर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। गाइज अगर आपको ब्लेंड करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए भी अपने चैनल पर वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम ये बैकग्राउंड बना रहे हैं। सो गाइस हमने फर्स्ट कलर कर लिया है, अब हम इसके बाद वाइट कलर करेंगे। व्हाइट कलर बहुत हेल्प करता है पेंटिंग में। वैसे मैं व्हाइट कलर होने के बाद यहाँ पे हम डार्क ग्रीन कर लेंगे। गाइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको इन सब कलर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। तो गाइस यहाँ पे हमने कलर कंप्लीट कर लिया है। अब आप फिंगर की हेल्प से, ईयरबड की हेल्प से या फिर आप टिश्यू पेपर की हेल्प से कर सकते हैं ब्लेंड। तो मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर और थोड़ा फिंगर की हेल्प से करूँगा। तो सबसे पहले हम टिश्यू पेपर को ऐसे लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, फिर एक बार दोबारा ऐसे करेंगे। गाइस कुछ इस तरह का आपका ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कीजिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका ये बैकग्राउंड ब्लेंड होने के बाद ऐसा लगेगा। तो गाइस अब हम क्लाउड में कलर करेंगे। तो क्लाउड में कलर हम करेंगे, सो बेसिकली गाइस हम क्लाउड में सिर्फ दो कलर यूज़ करेंगे, एक ब्लू और एक वाइट।
सो गाइस अब हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस इस तरह का आपका क्लाउड होगा, आपको यही क्लाउड इधर सेम करना है। सो गाइस मैंने सेम क्लाउड इधर भी बना दिया है। सो गाइस अभी हमारी ड्राइंग ऐसी लग रही है। अब हम इंटीग्रेट में कलर करेंगे और गाइस आपको इन सभी कलर की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर चेक कर लेना। सो गाइस यहाँ पर हमने कलर कर दिए हैं इसमें। तो गाइस अब हम ईयरबड की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने ईयरबड की हेल्प से इस पूरे को ब्लेंड कर दिया है। सो गाइस अब हम फ्लैग में कलर करेंगे। सो गाइस हम बहुत थोड़ा थोड़ा ऊपर रेड करेंगे, बहुत हल्का सा, और बाकी सारे में ऑरेंज। इस तरीके से अब हम नीचे डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन करेंगे। सो डार्क ग्रीन बहुत थोड़ा सा करेंगे। अब हम इसको ऐसे ये बर्ड के हल्के हम इसको ब्लेंड कर देंगे। सो गाइस ब्लेंड होने के बाद हमारा फ्लैग कुछ इस तरीके का लगेगा। और मैंने इसमें भी कलर कराया है, ये हमारा चक्र में भी हमने कलर करके इसको ब्लेंड किया है, और यहाँ पे हमने प्लेन में भी कलर कर दिया। तो गाइस अब आप एक नॉर्मल डार्क पेंसिल या फिर आपके पास HB2 वगैरह की कोई पेंसिल है तो आप उससे इसकी दोबारा से आउटलाइन कर दें। तो मैंने जिस पेंसिल से इसको बनाई थी मैं इसी से उसको आउटलाइन करूँगा इसकी दोबारा। तो गाइस हमारी जब हमने इसमें आउटलाइन कर ली है तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो गाइस अब हम एक ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, इससे क्या होगा जो इसके ऊपर कुछ इस तरह की है ये हट जाएगी। तो फिर गाइस जो डस्ट है उसके ऊपर चिपक जाती है तो वो हट जाएगी। तो गाइस अब हमारी ड्राइंग कंप्लीट है, तो चलिए अब हम इसकी मास्किंग टेप को रिमूव करते हैं।
गाइस देखिए हमारी ड्राइंग बनने के बाद कुछ ऐसी रहेगी। तो गाइस मैंने इन सभी कलर की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए। आपको इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और आप कमेंट में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।